हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आरफा फूड्स। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मूंग के दानों का डोसा। ये बहुत ही हेल्दी है, हम ब्रेकफास्ट में इसे ले सकते हैं। ये हमें वेट लॉस भी करता है। मैं यहाँ पर 300 ग्राम मूंग के दाने ले ली हूँ, उसे पानी में डालकर। मैं 1 टेबलस्पून चने की दाल और 1 टेबलस्पून व्हाइट राइस, इससे जो है हमारा डोसा जो है नहीं टूटेगा, स्मूथ नहीं आएगा, थोड़ा सा क्रंची क्रंची डोसा आएगा। इसे अच्छे से 3 से 4 बार धो लेकर, ये देखिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लूंगी। ऐड कर मैं रात में इसे 8 बजे भिगाकर सुबह देखिए इस तरह से लाइट से मल के इसके आ जाएंगे, तभी हमारे डोसे जो है बहुत टेस्टी होंगे और हेल्दी भी हो। तो अब मैं इसमें का पानी निकाल दूंगी। निकालने के बाद 1 इंच अदरक और 5 हरी मिर्च, थोड़ी सी कोतमीर, 1 काड़ी करियापक, ये डालकर हम सारी चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे इस तरह से। ये देखिए इसका पेस्ट जो है इस तरह से होगा आपका। डोसे डालना है ना हमें, इसीलिए डोसे के आटे की तरह पीस लेना है। मैं इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करके अच्छे से मिला लूंगी। मैं इसके साथ कच्चे खोपरे की चटनी बनाऊंगी। मैं यहाँ पे 200 ग्राम कच्चा खोपरा और 30 ग्राम फली को भूनकर ले ली हूँ और 3 हरी मिर्च तल कर ले ली हूँ, 4 लहसुन और 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच नमक डालकर इसे अच्छे से पीस लेना है। पीसने के बाद अब मैं इसे खोपरे की चटनी को बघार डालूंगी। एक स्टॉन करके पैन को गरम करके ऑयल डाल लूंगी। 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर मैं 1 सूखी मिर्च को 2 टुकड़े करके डाल दूंगी। 2 लहसुन को अच्छा सा मोटा कूट कर ऐड कर लूंगी। मैं इसमें 1/2 चम्मच जीरा ऐड कर लूंगी। इसे अच्छे से लाल होना है। लाल होने के बाद देखिए 6 से 7 करियापक के पत्ते ऐड करके हमें थोड़ा सा ब्राउन होने के बाद अदरक की चटनी में डाल लीजिए इस तरह से। बहुत ही टेस्टी है ये अदरक की चटनी और बहुत सिंपल सी है, आपको जल्दी बन जाएगी ये चटनी। तो चलिए, हम तब तक चटनी तो रेडी है, हम तब तक मूंग के दानों के डोसों को डाल लेंगे। तवे पर पानी इस तरह से डालिए, तवा गर्म होते ही एक कपड़े से अच्छे से साफ करके अब हम इस पे डोसे का आटा जो है गोल गोल डोसों की तरह अच्छे से फैलाना है। धीरे धीरे से फैलाइए ताकि डोसा नहीं टूटना चाहिए, इसीलिए। बहुत ही टेस्टी है ये मूंग के दानों का डोसा, आप ज़रूर ट्राई करें घर पर, ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। मैं थोड़ी सी लहसुन मिर्च का पाउडर जो है ऊपर से डाल दूंगी इस तरह से। गाजर को क्रश करके इस तरह से ऐड कर लेना है और बारीक कटी हुई प्याज को ऐड कर लूंगी मैं और थोड़ी सी कोतमीर भी ऐड कर लेना है। आराम से हमें साइडों से, बहुत यमी यमी डोसा है, आप लोग भी जरूर ट्राई करें इस डोसे को, बहुत हेल्दी डोसा है ये। हम से निकाल कर एक प्लेट में हम ले लेंगे। मैं ऐसे ही करके सारे डोसों का डाल लूंगी। बहुत टेस्टी है, हमारे डोसे रेडी हो चुके हैं, ये देखिए बहुत ही टेस्टी है, आप लोग जरूर ट्राई करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपके फ्रेंड से शेयर कीजिए। आप लोग ज़रूर घर पे बनाकर देखिए कि मैं किस तरह बनाई हूँ, आप उसी तरह बनाकर देखिए, बहुत ही अच्छा आएगा आपको डोसा और बहुत टेस्टी रहेगा और हेल्दी भी है, आप ज़रूर बनाकर देखिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।